श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि गर्मी में बार बार प्यास लगने के लिए आपको क्या करना चाहिए। उसके कुछ घरेलू नुस्खे मैं आपको बता देता हूँ। गर्मी के मौसम में शरीर का जल का अंश कम हो जाता है, वातावरण की गर्मी व धूप से वह तपने लगता है, ऐसे में प्यास बढ़ जाती है। बार बार पानी पीने से भी प्यास शांत नहीं होती, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए वो हम आपको बताने जा रहे हैं। पानी में शहद मिलाकर कुल्ला करने या लौंग को मुंह में रखकर चूसने से बार बार लगने वाली जो प्यास है वो शांत हो जाती है। अनानास का ऊपरी छिलका और भीतरी कठोर भाग निकालकर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर इन टुकड़ों को पानी में पकाकर नरम बनाएं और फिर चीनी की चाशनी बनाकर उसमें डाल दें। इस मुरब्बे का सेवन करने से प्यास बुझती है तथा शरीर का जलन शांत होता है। इससे हृदय को बल मिलता है। गाय के दूध से बना दही 125 ग्राम, शक्कर 60 ग्राम, घी 5 ग्राम, शहद 3 ग्राम और काली मिर्च और इलायची चूर्ण 5-5 ग्राम लें। दही को अच्छी तरह मसल कर उसमें अन्य पदार्थों को मिलाएं और किसी स्टील या कलई वाले बर्तन में रख दें। उसमें थोड़ा थोड़ा दही का सेवन करने से बार बार जो आपको प्यास लगती है वो शांत हो जाएगी। फिर जौ के भुने सत्ती को पानी में घोल कर उसमें थोड़ा सा घी मिलाकर पतला पानी पीने से प्यास शांत होती है। फिर चावल के माड़ में शहद मिलाकर पीने से भी तृष्णा रोग में आराम मिलता है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपनी कमेंट दीजिए। धन्यवाद।